उज्जैन भाजपा की अंदरूनी कलह एक बार फिर उस समय सभी के सामने आ गई जब विधायक पारस जैन ने भरी बैठक में मंत्री मोहन यादव की बोलती बंद कर दी। ये पूरा वाक्य उस समय घटित हुआ जब उज्जैन के मास्टर प्लान को लेकर बुलाई गई बैठक में दोनों ही नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे। आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। भाजपा की अंदरूनी कलह एक बार फिर आई सामने। मास्टर प्लान की बैठक में हुई मंत्री और पूर्व मंत्री की नोकझोंक। जन प्रतिनिधियों के सामने ही हो गई मंत्री और पूर्व मंत्री की तूतू मैं। विधायक पारस जैन ने अपनी ही पार्टी के मंत्री को दिखा दिया आईना। अनुशासन की दुहाई देने वाली बीजेपी के मंत्री और पूर्व मंत्री दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएंगे, ये कल्पना एमपी में तो नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन कल्पना को उज्जैन में विधायक पारस जैन और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साकार कर दिया जब शहर के विकास को लेकर बनाए गए मास्टर प्लान पर चर्चा की जा रही थी। तब उसी समय विधायक पारस जैन ने अपनी बात रखते हुए सरकार के साथ साथ मंत्री जी को भी आईना दिखा दिया। फिर क्या था, जैसे ही मंत्री जी ने विधायक महोदय को रोकना चाहा, वैसे ही गुस्से से भरे विधायक जी एक बार फिर आग बबूला हो गए और क्या कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। इतने प्लाट पड़े हुए हैं टाउन स्थान विकास प्राधिकरण के, सबके पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति वही नहीं बिगड़ा। बाकी जो क्षेत्र आपने इधर बना दिया, अब जैसे आगे रोड पे जैसा आपका कहना है कि वहाँ कॉलोनियाँ कट गई, अब उसको यदि अपन दूर बनाएंगे तो मेरा एक कहना कि ये मुद्दे पर कॉलोनी क्यों, मुद्दा ये भी है ना, कॉलोनी आगर रोड का सीएस भी कहा जाएगा। अरे दोस्तों अवैध कॉलोनी कट गई, क्या कर रही नगर निगम, मेरी बात तो बढ़ेगा तो हमको सब रोड देखना पड़ेगा, सब रोड पे देखना पड़ेगा। अरे मेरे आपने कहा कि हमने मेरी बात तो पूरी हो जान दो यार, अंदर अपनी मैंने कहा इनने जो बात कही, आप मेरी बात तो हो जान दो, मैं आपके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं, आप मेरी बात तो हो जान दो, मैं आपके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं, आप मेरी बात तो हो जान दो, मैं आपके बीच में बोल ही नहीं रहा हूं। जो आप करोगे सरकार करेगी, हम सब उसमें सब साथ है, साथ है। वो सरकार यदि नहीं करेगी तो फिर जनता है सामने, उसके ये बैठे सब वकील हूँ। मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने बैठे सबकी इच्छा यही है कि जो नदी का क्षेत्र है उस नदी के क्षेत्र पे मंगल नाथ से लगाकर वहाँ तक जो है उस एरिया को सुरक्षित रखे, त्रिवेणी तक यदि वो आपने नहीं रखा तो आने वाला भविष्य अपने को जनप्रतिनिधि को कोई माफ नहीं करने। बैठक के बाद बाहर निकलते ही दोनों नेताओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन जब तक शायद देर हो चुकी थी। यही कारण था कि जैसे ही दोनों नेता बैठक से बाहर आए, वैसे ही दोनों ने मीडिया को देख अपने अपने सुर बदल लिए। आज कलेक्टर ने टाउन कंट्री प्लानिंग की और इसकी बैठक बुलाई थी, जिन लोगों ने आपत्ति की है सीएस में, कोई रकबे बाहर कराना चाहता, कोई उसको लेकर पूरी आपत्तियां उन्होंने सुनी है। यह भी आया है कि मंगलनाथ से लगाकर त्रिवेणी तक ही सिंहस्थ भरता है, वो सिंहस्थ की हमारी प्राथमिकता है, वो सिंहस्थ ही एक उज्जैन की पहचान है, जो हमेशा विकास का काम होता है सिंहस्थ के नाम पर ही। सब आज जो देखा मुझे ऐसा लगा है कि त्रिवेणी से लगाकर मंगलनाथ तक जो नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र को आवासीय नहीं करना चाहिए, ये सबका मत है। पीएसपी करना चाहिए, पीएसपी में मतलब ये होता है कि यदि कोई वहाँ आदमी ऐसा बताए, लेकिन वो भी 200 मीटर दूरी पर, कि जिससे कम से कम कि कोई भी गंदा पानी सिपरा में ना जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये लोगों का मत है, मेरा भी मत ये है कि जब हो सके तो पूरी तरह से मंगलनाथ से लगा कर आपके त्रिवेणी तक कोई भी आवासीय नहीं करना चाहिए। किसी को यदि कॉलोनी बनाना है तो वो कहीं भी बनाए। मेरे को लगता है कि आज उज्जैन के अंदर इतने प्लाट पड़े हैं चारों तरफ विकास प्राधिकरण के, लोगों के निजी के, वो ही नहीं बिक रहे हैं। और सीएस थे उज्जैन, यदि ज़्यादा कोई इन लोगों को उद्योग वाले को यदि इनको कोई डालना तो वो डाले, वो जो कॉलोनी काटना चाहते हैं। भैया इंदौर 60 किलोमीटर है, उज्जैन को तो छोड़ो। धन्यवाद। और विकास के लेकर के मास्टर प्लान का नया प्रकाशन होने वाला है,
और प्रकाशन में भविष्य के विकास की दृष्टि से उज्जैन के डेवलपमेंट के मामले को लेकर के जो मास्टर प्लान का प्राथमिक प्रकाशन हुआ है, उस प्राथमिक प्रकाशन पे विभिन्न प्रकार की अलग अलग सुझाव, संशोधन, आपत्तियां, इनकी सुनवाई का दिन था। लगभग 450 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग आवेदन के जो लोगों को सुझाव आए, उसमें से 250 तो सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने का है कि हमको सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त कर दो। लगभग 200 के आसपास सुझाव में से लगभग 120 प्रकार के सुझाव मार्गों के चौड़ीकरण से संबंधित आए कि मार्गों का चौड़ीकरण करना चाहिए। लगभग 90 सुझाव हमारे FAR बढ़ाने का है कि हमारा जो FAR है शहरी क्षेत्र का, वो FAR बढ़ना चाहिए। बाकी कुछ सुझाव सिंहस्थ क्षेत्र को बढ़ाने के, कुछ सिंहस्थ क्षेत्र को कम करने के, तो सभी सुनवाई आज हमने संपन्न की है। और इससे संबंधित जो हमारी कमेटी है उसकी आज दूसरी बैठक है। जो नियम है उसके हिसाब से पुनः एक बार इसका निराकरण करते हुए जब जैसा शासन को लगेगा, शासन के पास हमने पूरा पहुँचाएंगे। कितनी आपत्ति है इसमें? मैंने बताया 450 से आपत्ति आई थी। 450 आपत्ति में से 250 आपत्ति सिंहस्थ क्षेत्र से मुक्त करने की आई कि हमारी सिंहस्थ क्षेत्र से ज़मीन को मुक्त कर दो। 90% आपत्ति आई जिनने कहा कि हमारे मार्गों का चौड़ीकरण होना चाहिए, क्या अलग अलग प्रकार के, कोई ने FAR बढ़ाने की आई है। बहरहाल अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अनुशासन पसंद भाजपा अपने नेताओं की ऐसी तस्वीरें देख क्या कुछ एक्शन लेती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, उज्जैन।